ओम नमस्कार, जय धनवंतरी, जय श्री राधे। किशोरी सेवा धाम आरोग्य भारत अभियान के तहत काम करता है। जो मेरे द्वारा ये सेवा होती है, भगवान ने मुझे मौका दिया है आपके रोगों से आपको निवृत्त कराने का, छुट कराने का। तो आज हमारे यूट्यूब पर भैया किसी ने पूछा है रोग के बारे में कि हमारे जो नाखून है उनमें रोग आ जाते हैं, जैसे नाखून पक जाते हैं बार बार, या हमारे नाखून बार बार काले पड़ते हैं, अंदर से रोग आता है, उनको कीड़ा काटता है, अंदर से नाखून निकलता है बार बार, और हमारे नाखून अच्छे कैसे रहे, हमारे नाखूनों का जो रोग है वो कैसे समाप्त हो और ये क्यों आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नाखूनों में जो रोग आता है ये विटामिन सी की कमी हो जाती है, जैसे बाल झड़ते हैं ना, वैसे ही ये है। बाल और नाखून ये इंद्रियों में ही आते हैं, कर्म इंद्रियों में। तो नख और बालों का जो पोषण है वो नाखून से पोषण बालों को मिलता है, और बालों को तंदुरुस्त करने से ही नाखून को पोषण मिलता है। तो आप अपने नाखूनों से परेशान हैं, आपको ये बार बार सताते हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे ज्यादा कैल्शियम की यूज होता है नाखून। नाखून हमारे सबसे ज्यादा कैल्शियम यूज करते हैं, तो कैल्शियम की दवाई जो है वो आपको खानी है नाखून को अच्छा करने के लिए। कोई ट्यूब, कोई मालिश, कोई तेल वो नहीं लगाना है आपको, ये सब करना है। और पैर के तलवे में एड़ी के नीचे एड़ी और पंजा जो है उसके बीच में एड़ी से टच, ये पॉइंट होता है नाखून का। आप उसे ऐसे ऐसे गोल गोल 2-3 मिनट सुबह घुमाइए, 2-3 मिनट शाम को घुमाइए, दबाइए पॉइंट को, तो बहुत जल्दी 1 महीने में आपके नाखून से निवृत्ति मिलेगी रोग की। ये एक्यूपंचर कीजिए इस नस को, तो आपको यहाँ लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा इसके लिए आप शुद्ध चूना कहते हैं, जैसे आपने रात को चूना लिया सफेदी और पानी में डाल दी, जैसे 1 लीटर पानी में आप 20 ग्राम डाल दीजिए चूना और हिला के रख दीजिए पानी को, उस पानी को सुबह पी लीजिए। ऐसा 20 दिन भी करेंगे तो आपके नाखून हो जाएंगे सही। चूना खाने से भी नाखून सही होते हैं, चूना का पानी पीने से नाखून सही होते हैं, और पूरे शरीर को शुद्धि हो जाती है, पूरा शरीर, कोलेस्ट्रॉल, पूरा शरीर के किडनी स्टोन और लीवर के, हार्ट के सभी रोग से सही होते हैं। तो थोड़ा सा चूना डाल के पानी में रख दीजिए घोल के, और सुबह वो नितर जाए, साफ हो जाए, तो ऊपर का पानी आप पी लीजिए, और वो जो चूना है उस चूना में आप दोबारा भी पानी डाल सकते हैं, 2-3 दिन एक ही चूना चला सकते हैं, तो उससे पूरा शरीर आपका स्वस्थ मस्त होगा, पानी से लाभ मिलेगा आपको। और उसके अलावा आप इनके लिए अखरोट बादाम नित्य सेवन करें, अखरोट और बादाम का 4-5-6 लेकर रोज नित्य सेवन करें सुबह उनका, और दूध का सेवन लगातार 1-2 महीने करें। अगर आप अंडा मांस खाते हैं, तंबाकू सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो आप उसे छोड़ दीजिए, और ये प्रयोग करने से आपके नाखून जो है संपूर्ण रोगों से आप निवृत्त हो जाएंगे, और आपके नाखून से आपको आजादी मिलेगी, और आपके नाखून से हर प्रकार का रोग समाप्त हो जाएगा। और कोई भी खट्टा नहीं खाना है आपको, बस खटाई का परहेज है इसमें, और आप नाखूनों से स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।